आप देख रहे हो बिग बॉस अभी OTT, आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट अंदर? नहीं, ऐसे कोई मेरे फेवरेट्स नहीं है, बट आई डू वॉच द एपिसोड दे कट, आई वॉच दैट. मैम को फोटो नहीं मिले. हीना जी सेंटर में देखिए, हीना जी सामने देखिए एकदम, हीना जी यहाँ पर, हीना जी यहाँ पर आपके राइट में, सेंटर में देखा ही नहीं आपने, आपके राइट में देखिए. ओह गॉड, बस 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 सब काफी ज्यादा अच्छा स्टाइल करते हैं अपने आप को बिग बॉस में, विच इज ग्रेट. और अच्छा लगता है लोगों को ड्रेस्ड अप देख के, और यू नो दे आर ऑलवेज ड्रेस्ड अप प्रेजेंटेबल, तो वो तो बहुत जरूरी होता है. तो आई रियली अप्रिशिएट दैट. मैम आपकी जो कंटेस्टेंट है कोई फेवरेट है आपका? नहीं, मेरा कोई फेवरेट नहीं है. कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आपको बार बार बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए बुलाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एज एन इंडिविजुअल, एज एन पर्सन? नहीं कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, बट अब आपको एज अ सीनियर देखा जाता है तो डेफिनेटली आप जाते हैं तो कुछ चीज़ों में अगर कोई कंटेस्टेंट गलत जा रहा है, अगर दिशा गलत है तो उनको शायद सही किया जा सकता है. हमारे सीजन में भी ऐसा हुआ था. तो आई थिंक दैट्स हाउ द मेकर्स लुक एट अस, कि हम जाएं और थोड़ा सा अगर कहीं वो इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनको सही रास्ते पे लाएं. बस हीना जी, बस हीना जी आपको जाने वाला प्रोजेक्ट. थैंक यू हीना जी, आपको जाने वाला प्रोजेक्ट मैं नहीं बताऊंगी.